Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing really great. So today I'll be making poha. It's a very quick recipe. So सबके पोहा बनाने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं. मैं इस तरीके से बनाती हूँ. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा. तो चलिए हम पोहा. अभी इवनिंग का टाइम है. हम अनाया को वॉक पे लेके गए हैं. फाइव थर्टी हो रहा है तो वॉक से आने के बाद उसको मैंने हाथ मुंह धुला दिया है और उसे अपना इवनिंग स्नैक दे दी हूँ, हलवा एंड मैंगो. वो अपना हलवा और मैंगो इन्जॉय करेगी. तब तक हम हमारे लिए पोहा बनाते हैं. तो चलिए हम बनाते हैं पोहा. हम पोहा बनाने के लिए हम पैन ले लेंगे. पैन को मीडियम फ्लेम पे हीट करेंगे. पैन के गर्म होते ही हम उसमें ऑयल डाल देंगे. ऑयल देख लेंगे गरम हो गया है तो उसमें हम कुछ पीनट्स ऐड करेंगे. पीनट्स को हम सॉटे कर लेंगे. पीनट्स अच्छे से फ्राई हो गया तो हम इसको अलग बोल में निकाल के साइड में रख लेंगे. पीनट्स को हमने साइड में रख लिया है. अब सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे स्पाइसेस. तो मैंने अभी ऐड कर दिया है हाफ स्पून मस्टर्ड सीड्स. हाफ स्पून क्यूमिन सीड. एक स्लाइस्ड ग्रीन चिली एंड मैंने कुछ करी लीव्स ऐड किए. मैंने ड्राई करी लीव्स ऐड किए बट आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो आप वो ऐड कर सकते हो. इसके बाद मैंने फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड कर दिया है. अब अनियन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे. जब तक उसका रॉ स्मेल ना चला जाए तब तक हम उसको फ्राई करेंगे. तो मैं अभी अनियन को ढक के पका लूँगी. एक मिनट होने के बाद मैं अनियन को मिक्स कर ली हूँ. अब मैं इस स्टेज पे पीज़ ऐड कर दूँगी, ग्रीन पीज़. मेरे पास फ्रोज़न ग्रीन पीज़ था तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैंने ये ऐड किया है. अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन पीज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो बट उसे पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको थोड़े टाइम तक पकाना पड़ेगा इसे ढक के. तो मैंने ढक दिया है अभी. अब मीनवाइल हम पोहा को वॉश कर लेंगे. मैंने यहाँ पे थिन पोहा लिया है तो थिन पोहा को मैंने वॉश किया है और ऐड करूँगी. अगर आप थिक पोहा ले रहे हो तो आप जस्ट मेक श्योर करना कि आप 2 मिनट के लिए उसको सोक कर देना फिर वॉश करके ऐड करना. अभी पीज़ और अनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे. तो अभी मैंने ऐड किया हल्दी पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड सॉल्ट. सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो. हम सॉल्ट थोड़ा कम खाते तो मैंने ½ स्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है. अब ये सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी हम ढक के 1 मिनट के करीब कुक कर लेंगे ताकि स्पाइसेस के जो रॉ टेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए.
करीब एक मिनट हो गया है। मैं अब स्टेज पे एक बार फिर से स्पाइसेस मिक्स कर लूँगी अनियन और पीस के साथ, एंड इस स्टेज पे मैं वॉश किया पोहा ऐड कर दूँगी। पोहा को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ताकि सभी मसाले पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसे ढक के थोड़े देर के लिए कुक करेंगे। हाफ मिनट हो गया है, मैं अगेन से पोहा को मिक्स कर रही हूँ एंड इस स्टेज पे मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है। अगर आपका पोहा का क्वांटिटी ज़्यादा है या आपको खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप एक लेमन यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लेमन जूस डाल दिया है और मैं इसी स्टेज पे फ्राइड पीनट्स भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने फ्राइड पीनट्स भी ऐड कर दिया है। पीनट्स के ऐड करते ही मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब बंद करने के बाद मैं इसे बस एक मिनट के लिए ढक दूंगी। एक मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया एंड पोहा रेडी सर्व करने के लिए रेडी है। तो मैं सर्विंग बोल में पोहा को ट्रांसफ़र कर लूँगी। अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ता रहेगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने अवॉइड किया है। जो भी आपके पास नहीं है आप अवॉइड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा पोहा रेडी हो चुका है। ये था आज का हमारा पोहे का रेसिपी। बहुत ही इजीली एंड क्विकली बन जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। चलिए, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।